लखनऊ में अमृतसर से जयनगर जा रही ट्रेन संख्या 4674 शहीद एक्सप्रेस के दो एसी कोच पटरी से उतर गए हैं। दो एसी कोच के पटरी से उतरने पर हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। गनीमत है कि कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल हादसा किन कारणों के चलते हुआ अभी इसकी जांच की जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड कम थी इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। वही बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 7:45 हुआ है, जब शहीद एक्सप्रेस जैसे ही चारबाग के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी उसके दो डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद इन दोनों डिब्बों के यात्रियों को दूसरे डिब्बों में भेजकर जल्द ही ट्रेन को रवाना किया गया। दोनों डिब्बों के पटरी से उतरते ही यात्रियों में चीख पुकार भी मच गई। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की सूझबूझ से ही तुरंत स्थिति को संभाल लिया गया। आपको यहां यह भी बता दें कि सुबह 7:30 के करीब ट्रेन लखनऊ स्टेशन से रवाना हुई थी। जैसे ही ट्रेन चारबाग स्टेशन पर पहुंची तो डिब्बे पटरी से उतर गए। तब ट्रेन की गति बहुत कम थी इस कारण बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार के मुताबिक अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बे सुबह 7:50 पर लखनऊ मंडल के चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने के बाद पटरी से उतर गए, जबकि एक कोच के सभी पहिए पटरी से उतर गए, जबकि दूसरे कोच का एक पहिया पटरी से उतरा। बताते चले कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के करीब हादसा हुआ है। अमृतसर से जयनगर जा रही ट्रेन संख्या 4674 के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। वही हादसे के बाद से ट्रेनों का संचालन बाधित हो रहा है। सुबह यह घटना दिलकुशा कैबिन और यार्ड लखनऊ के बीच में घटित हुई। घटना के बाद मौके पर आरपीएफ और जीआरपी की टीमें पहुंची। हादसे के बाद अप और डाउन लाइन दोनों ही बाधित हो गई। घटना की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लोगों को शिफ्ट करा के गाड़ी को चलाने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि लखनऊ का चारबाग स्टेशन सबसे बिजी स्टेशन में से एक है। लखनऊ का प्रमुख स्टेशन होने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से घना कोहरा देखा जा रहा है, इस वजह से ट्रेन लगातार लेट हो रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस हादसे का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि दोनों कोचों में केवल 155 यात्री थे, उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस फोर्स व विभाग के अन्य बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीआरएम संजय त्रिपाठी के मुताबिक हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है, कोई हताहत भी नहीं हुआ है। ट्रेन यार्ड से रवाना हुई थी और धीमी गति से चल रही थी। ये जांच का विषय है कि पटरी से ट्रेन के पहिए कैसे उतरे, इसको लेकर जांच समिति बनाई जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में रेल हादसों के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। हालांकि इस घटना में राहत की बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.